हेलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। सेंटर ऑफ मास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उनके लाइन ज्वाइनिंग पर बीच में कहीं लाई करता है। उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, m1r1 = m2r2। उसी फॉर्मूला पर ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 केजी एंड 10 केजी रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विथ नेग्लेजिबल मास। मतलब रॉड जो है उसका मास नहीं है, केवल जो पार्टिकल्स हैं उनका मास है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 केजी पार्टिकल इज नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो कहने का मतलब है कि दो पार्टिकल है ना, जैसे एक कहा गया कि 5 केजी का है और दूसरा जो है वो 10 केजी का है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का वो इनके बीच में ही कहीं लाई करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 केजी वाले से मान लिया कि x डिस्टेंस पर है, तो 10 केजी वाले से 1 - x डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 1 मीटर दिया गया है। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं m1r1 = m2r2, इसको m1 लेंगे तो ये r1 हो जाएगा, इसको m2 लेंगे और ये r2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 5 × x = 10 × 1 - x, ठीक है। तो 5 से ये कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा ना, तो ये हो गया 3x = 2, यानी x = 2/3, यानी 0.67, 0.67 ये मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 67 सेंटीमीटर आएगा, जो कि देखेंगे ऑप्शन 4 में दिया गया है, 67 सेंटीमीटर, 0.67 मीटर में था ये, सेंटीमीटर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया 4।